जागते हैं, यहाँ पर सब कंवारे जागते हैं कि हो ना जाए फिर से लॉकडाउन, कुछ ऐसा भी बेचारे सोचते हैं। लेकिन कोरोना से बचना भी है जरूरी। लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती हैं आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो माशाल्लाह मोटर मैकेनिक लग रहे हैं सर। अरे वाह, मोटर इतनी थकी हुई हो तो फिर बंदे को इस तरह मैकेनिक गाग नु कह रहे थे यार मेरा मोटरसाइकिल ठीक कर दे। अच्छा, इस तरह के मोटर मैकेनिक पूरी गाड़ी खोल के ना रोने लग जाते हैं, मेरे को नहीं फिट होने। व्हील बैलेंस ते करा दियो, व्हील खोल के बच्चे नूं कहिंदे ने जा पुत्तर लोड वाली दुकान तो 200 दा बैलेंस करा। इहो जे मकैनिक नूं बंदा आके कहे ना जी गड्डी दा गेयर कम नहीं करदा, 10 साल तो मेरा मुंडा भी कम नहीं करता। जनाब फैजुल्ला कमोका। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मरीज तशरीफ लाई हुई है, मॉडल एमन फैजान। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी की बात है। एमन जी प्यारी सी छोटी सी बच्ची मॉडलिंग और मजाक रात में खुश आमदेद जी। थैंक यू सो मच। एक बहुत ही प्यारा शेर लेके आया हूं मैं जी, जी जी भाईजान के लिए। कमोका जी, ये पीटीआई का रंगे सियासत किस तरह का है कि जिनकी गलियों से इनको वोट मिलता है उन्हें कच्चा ही रखते हैं। भरोसा आपके वादों के कच्चेपन पे जो कर बैठे हैं बेचारे, भला ऐसे बेचारे वोटरों से आप भी ऐसा ही करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਗਰਾਤੇ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ये शोर मुझको क्यों सता रहा है, धीरे धीरे मेरे दिमाग को खा रहा है। एक बात हमें दिल से बताएं कमोका भाई, नून लीग के जलसों का मजा आ रहा है? अरे वाह, क्या कहने। तो साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इनके शेरों का? मेरे ख्याल में जो ठाकुर साहब ने बात की है वो ठीक नहीं है। अब हमारे शहर में 13 अरब रुपए का पैकेज दिया है वज़ीर आज़म साहब ने। अच्छा, फैसलाबाद में काम शुरू हो रहे हैं इंच पे। सर ये कब होंगे, ये जो हम अक्सर सुनते हैं फलां पे पैकेज हो गया, अनाउंस फलां पे हो गया, ऑन द ग्राउंड ये कब आएगा सारा काम? नहीं, हमारे फैसलाबाद में तो ऑन द ग्राउंड काम शुरू हो चुका, ऑन द ग्राउंड हो चुका होगा। ये उत्थे तो बहुत काम हो रहा है, यकीन करो, इत्थे मिट्टी धूड़ है, उत्थे इतना काम हो रहा है कि मजदूर छुट्टी कर जाते हैं फिर काम हो रहा होता। भाई वहां तो वो बजरी और सीमेंट घोलने वाली मशीनें है ना, वो खुद ही सुबह काम पे आ जाती है। हाँ जी, बंदा खलोता होता तो सीमेंट आप ही कंध से आके बजता जी, नहीं यकीन आता इतना काम हो रहा है। अकरम भाई सिर्फ 3 मिनट लिए उत्थे गए ने फैसलाबाद, उस इलाके च उन्होंने ओवर हेड बनाता। कमोका साहब दे बाबर चौंक च जाके वेखो। अच्छा जी, यकीन करो मदीना टाउन दे विच इन्ना साफ सुथरा, विचों मुंह दिसेगा पानी खलोता गलियां च। कमोका जी, ऑन ग्राउंड रियलिटी आ गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाइरा ने गल तो कर ली है। हाँ जी, इन्हां नूं पुछो कि उत्थे जस्ट रीसेंटली दाऊद चौक दे विच जिथे दा जिक्र कर रहे ने उत्थे डिस्पोजल स्टेशन बनया,
काफ़ी ज़्यादा उहदे ते मेहनत हुई है और कब्ज़ा ग्रुप को कब्ज़ा छुड़ा के उत्थे डिस्पोजल स्टेशन बनवाया जिहड़ा पिछली हुकूमत दे दौर च उत्थे ज़ाहिरी बात है कब्ज़ा तो पिछली हुकूमत का ही था। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे ये बताइए एवन आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी देखा। आपको अंदाज़ा है? हाँ जी है। क्या है शो के बारे में? जी जी जाहिर बात है। क्या क्या सेशंस होते हैं, क्या सवालात होते हैं, किस तरह की डिस्कशन होती है, किस तरह की बहस होती है, किस तरह का मजाक होता है, सब कुछ। सबसे पहले तो मुझे बताइए आपका ताल्लुक मरी से है? हाँ जी। अरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पास गेस्ट नहीं आते जो उनका ताल्लुक मरी से हो। अच्छा। और हमें मरी के बारे में बताइए पहले। मरी के बारे में क्या बताऊँ? हाउ वाज इट ग्रोइंग अप ओवर देयर? ठंड हो गई है अभी। नहीं नहीं वैसे बड़े होते हुए कैसा आपको लगा? अच्छा, बड़े होते हुए बहुत अच्छा लगा मुझे। 17-18 साल में मरी में ही रही हूँ, स्टार्ट में 17-18 साल रही हैं मरी। हाँ जी, 18 साल के बाद वापस में शिफ्ट हुई फिर लाहौर में। मरी च तां इन्नी ठंड है कि उत्थे कंबल भी नुक्कर चेंज करके लगा हुंदा। नहीं दौड़ा पा रहे हो ना, मेरे तरस दाई दे दो। हाँ जी बताने तो देना यार उसको। अच्छा हाँ जी। जो बंदा वहाँ रहने वाला हो ज्यादा तौर पे, वो मेरे ख्याल में उसका मिजाज बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मुझे खुद के लिए मैं कहती हूं। अच्छा, यानी कि मरी वाले जो है उनका मिजाज अच्छा होता है? हाँ, ठंडा मिजाज नहीं होता उनका मौसम के मुताबिक। ये तो कोई भी ना ठंडा नहीं होता तो फिर अच्छा कैसे होता है? ठंडे मिजाज वाले लोग वो होते हैं कि यार कहते हैं ये तो बिल्कुल बेकार सा बंदा है, ठंडे मिजाज वाला। अच्छा, तो हम मतलब अच्छे मिजाज के लोग वैसे प्लेजेंट होते हैं आप? हाँ कहना चाह रही हैं मरी के लोग जो हैं? बिल्कुल। सर आपको ऐसा लगता है शायद खाकान अब्बासी साहब को देख के आजकल? उनको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। ये जो कह रही है इसमें कोई सदाकत है? मुझे बताएं आप वैसे वोट डालती हैं? हाँ जी, जो लास्ट इलेक्शन हुए थे जी जी उसी में मेरा आईडी कार्ड वगैरह बना, लेकिन उसमें मेरे साथ ये हुआ कि हम नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। तो जो मेरी दोस्त थी यहाँ पे इस्लामाबाद जिसके साथ मैं रह रही थी, तो वो सपोर्टर थी पीटीआई की। अच्छा। उसने क्या किया कि उसने मेरा आईडी कार्ड चुरा लिया। वो मेरा वोट नहीं हो सका। वो इतनी कोई जुनूनी सपोर्टर थी पीटीआई की कि यार उसने ये कर दिया। लेकिन अगर मैं वोट देती तो मैं देती नून लीग को। नून लीग, ये देखें ये धोखे हुए हैं इनके साथ। हम ही नहीं कहते वोट दो सकते आप लोगों के सपोर्टर ने आईडी कार्ड चोरी कर लिए। दोस्तों के दरमियान में तफरका पैदा कर दिया आप लोगों ने। ये कैसे सपोर्टर है आपके कमों का साथ? इतना जुनून उनके अंदर कि वो दोस्ती भूल गई। देख लें आप, दोस्ती भूल लिया, हक छीन लिया। वो सही कहते हैं नून लीग वाले कि हमारा वोट जो है वो लूटा गया है। तो ये सबूत है आपके? अच्छा, सबूत हो जिंदा। ये वोट है जिसकी वो बात कर रहे हैं। ये वोट जिसको लूटा गया था। अच्छा, आपके दोस्त खुश है अभी वोट देके? ऐसा पछता रही है ना वो कि मैं खुश हो रही हूँ उसको देख के। दोस्त होती तो हम उनसे पूछते हैं। मैं उनकी जगह बोल रही हूँ, सीरियसली दोस्त की जगह। क्या कहती है, क्यों खुश नहीं है? पछता रही है यार। हालात देख ले मुल्क के, सबसे पहले इतनी ज्यादा महंगाई और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है ही गुरबत, पहले भी था और अब तो समझ लें कि बहुत ज्यादा हो चुका है। हमारी तो उम्मीद खत्म हो चुकी है बिल्कुल। ओए होए, किस से? हर एक से। नून लीग से भी खत्म कर दी? नून लीग से भी। अब जो नून लीग से भी खत्म हो गई बिल्कुल। अब जो चीजें सामने यानी कि पीटीआई से तो आपको उम्मीद थी ही नहीं, नून लीग ने भी आपकी उम्मीद। हमारी वो बात हो गई कि हमारी अपनी मुर्गी ने बाहर जाके अंडा दे दिया खराब। बातें आप पीटीआई वाली कर रही हैं, मुर्गी और अंडे। मगर उम्मीद आपकी खत्म हो चुकी है। आपने सुना है बराबरी पाकिस्तान पार्टी के बारे में, एक नई पार्टी है? नहीं मैंने नहीं सुना। आप जरूर गूगल करिएगा उनको, उनका मैनिफेस्टो और उनका आप देखिए तो शायद हो सकता है आपको वहां से कोई अफाका हो और कोई उम्मीद नजर आए। कहीं से तो मौका सा उम्मीद नजर आनी चाहिए। ये तो हमारे पास तो तीन ही बड़ी पार्टियां थी, तीनों इन्होंने वो कर दी। हाँ सही बात है यार, जिन्होंने उम्मीदें इतनी लगाई थी, मुझे तो उन बेचारों को देख के तरस आ रहा है। तो अब आप क्या चाहती है, किससे होंगे? जो बाइडेन से उम्मीद लगाएंगी? नहीं पता, मैं तो बस ये कहती हूँ कि अभी जो टाइम इनका चल रहा है, मजीद और देख लें, दो साल ढाई सालों में, दो ढाई साल और देख लो, शायद कि कुछ हो रहा है। नहीं, अब जैसे ये दिल तो नहीं तोड़ना ना इन लोगों का, अब इनके अंदर अभी भी इतना जुनून बाकी है कि यार हम करेंगे। अच्छा। वेट करें, सबर करें, इतनी जल्दी ना करें तो कर लेते हैं क्या जाता है। नहीं नहीं, मगर उसके बाद भी अब इनको ही करने दें, क्योंकि आपने तो कहा कि नून लीग से भी कोई उम्मीद नहीं है, तो ये अगर चले भी गए तो कौन आएगा? यही तो अब मसला हमारा कि यार हमारे पास तो कुछ बाकी नहीं रहा, हम क्या करें। ये जो देखे आप लोगों ने किया ना, यानी कि जो तीसरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई, तो कौन आएगा? आखिरी उम्मीद वो भी खत्म हो चुकी हुई है। परेशानी वेख के ना हूँ मैनू इलेक्शन से खिलौना पैना। सर भाई पहले पैरों से खिलोवो फिर इलेक्शन से खिलोवो। अभी उम्मीदें ना तोड़े। दो ढाई साल देखो, नहीं तो अगले पांच साल फिर पे पीछे। मगर वही बात है ना कि वो तो बड़ी एक अजीब कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो चुकी है। अगले पांच साल भी इंशाल्लाह होंगे। अगले पांच साल बाद भी अस इन्होंने पूछना जनाब की होया।
इन्हें कहना जी 5 साल ही होए होगा तो अगले 5 साल होंगे, इन 5 साल में कुछ नहीं होगा तो वो तो ऑब्वियसली नहीं होंगे फिर। मगर क्या ख्याल है वैसे, इनसे ही उम्मीद कर रहे हैं, अगर इनकी पावर है पार्टी की इस वक्त तो शायद यही कुछ बेहतरी कर ले। एक बंदे की तो पावर से कुछ भी नहीं होता, ऑब्वियसली सारी टीम का नहीं, काम इनकी पूरी हुकूमत है, एक बंदे की नहीं है पावर तो, मगर शायद हो सकता है कहीं सरप्राइज ही कर दें आपको सर जी। हाँ तो हम खुश होंगे, अगर अच्छा होगा हमारे साथ तो हम खुश होंगे, बुरा होगा तो हम अफसोस करेंगे, लेकिन हम उम्मीद नहीं लगाएंगे। उम्मीद नहीं वो लगाना चाहते हैं आप, जो भी हो, नून लीग से भी, पीटीआई से भी, पीपल्स पार्टी से भी, बस हम दुआ करेंगे कि मौजा हो जाए, अच्छा हो जाए। ये देखिए उम्मीद नहीं कोई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हुकूमत के आखिरी दिनों में तो हर हुकूमत अच्छी हो जाती है। पेट्रोल नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ऐड पे सस्ता हो गया था। अच्छा, चीजें सस्ती हो गई थी क्योंकि इलेक्शन फिर से आने वाला होता है, सस्ती कर देते हैं। अच्छा, तो ये भी अगर रेंट पे करेंगे तो फिर क्या फायदा, पिछली हुकूमत वाले पहले करेंगे। जब हुकूमत खत्म होने वाली होगी तो टैंकी फुल करा ली, राशन ही उदो घर पवाया कर जब हुकूमत खत्म होने लगे। करप्शन करने वाले कम ना होंगे अगर सादिक अमी हाकिम ना होंगे, सियासी दखल हो जाए खत्म तो अदारे कैसे मुस्तकिम ना होंगे, अगर कानून की हो बाला दस्ती जराइम कायम हो दायम ना होंगे, सच्ची गल वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब लाहौर में रहती हैं तो आप मिस नहीं करती हैं, आप 17-18 साल वहां रही यहां? हाँ। तो मतलब कहां पहाड़ और वो खूबसूरत मौसम और मरी का जो एनवायरनमेंट है, और यहां लाहौर आके तो मुश्किल से आपको एक शिमला पहाड़ी मिलती होगी, ऐसा ही है। वो भी अब नजर नहीं आती। जब मैं बोर होती हूँ हफ्ते डेढ़ के बाद, जब मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ उस मौसम को, पहाड़ों को, तो फिर मैं चली जाती हूँ वापस, एक दो दिन रह के वापस आ जाती हूं। ये देखें, और आप यकीनन अब तो मरी, खैर लाहौर से जाना एक्सेसिबल बहुत है क्योंकि बड़ी जबरदस्त, बंदे का दिल हो तो फिर बंदा मीलों दूर चला जाता है। मीलों तो खैर इतना रहा भी नहीं क्योंकि अब जितनी जबरदस्त वहाँ पे रोड है जो कि मोटरवे, आप गए हैं सर मरी मोटरवे पे? जी कई दफा। वो जो मियां साहब ने बनाई थी? जी जी कई दफा गए। अच्छा, बिल्कुल। मोटरवे तो सफर करके ते मसलन कंप्लेन कर रहे होंदे ने पुलिस वाले नु, कादी मोटरवे नून लीग ने बनाई, जंप ते एक भी नहीं का। तो ये वैसे मुझे बात बताएं, आप नून लीग की बनाई हुई सड़कों की इस्तेमाल कर रहे हैं? सही बात है। अच्छा, क्या सड़कें वो मियां साहब के अपने घर के पैसों से बनी? नहीं, मगर मियां साहब के दौर में बनी थी। उसके जो किकबैक्स हैं, हाँ जी, हमने तो उनका भी हिसाब लेना है। अच्छा, एक बात वैसे बताइए, बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, आप लोग हमेशा कहते हैं हमने हिसाब लेना है, हिसाब लेना है, 3 साल तो होने वाले हैं, ठीक है जी, और अक्सर मैं सुनता भी हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो टीटी निकल आई, ये पीटी निकल आई, तो ये निकल के प्रूफ क्यों नहीं हो पा रही? सब कुछ प्रूव्ड है। देखें, गवर्नमेंट का इस सारे जो जितना भी प्रोसेस है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, वो अपना काम कर रहा है। आगे जो आप कह रहे हैं सजाओं की बात कर रहे हैं, तो वो अदलिया ने, वो एक खुद मुख्तार इदारा है, उन्होंने सजाएं दे दी। तो फिर दुनिया भर में एक मौका साहब एक रूल होता है कि जब तक एक आदमी प्रूवन गिल्टी ना हो फ्रॉम द कोर्ट्स तो आप उसको नहीं कहते। जी ठीक है, मगर यहाँ पे आप लोग तो वहाँ पहुँचने से बहुत पहले ही कहना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो तो बहुत सारी करने फिर के जब अदालतें कहेंगी तब फिर देखेंगे। अदालतों ने बहुत सारी चीजों के ऊपर कह भी दिया है। नहीं नहीं, ये जो मैं साहब कन्विक्ट हैं, मैं इन रीसेंट वालों की बात कर रहा हूँ, आपको भी पता है किसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो आप टीटियां रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं, तो एक बार फिर वो प्रूव हो जाने दें फिर बात करेंगे। टीटियां प्रूव है सर, तो फिर 100% प्रूव है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, प्रूव किसके एंगल से? आपके एंगल से है ना? नहीं सर, नहीं, हर एंगल से प्रूव है। अदालत सजाएं क्यों नहीं दे रही इनको? सजाएं अब जब अदालत में केस जाएगा, अभी उसकी, तो वही तो मेरा पॉइंट था सर, कि जब अदालत में केस जाएगा, अदालत एक चीज कहेगी, तो फिर आप अगले को, ये उससे पहले प्रीएम्प्ट जो करते हैं सारे, और उसके बाद 3 साल से हम सुन रहे हैं कि ये इसने ये किया, इसने ये किया, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, जो भी हैं, शायद खाकान अब्बासी भी अब तो बीच में आ गए हैं, बहुत सी दुनिया जितने भी आपने इकट्ठे किए हुए हैं, वो मैं कहता हूं कि एक बार कर देना ताकि उसका हो जाए, हमें भी हम सील कर दें। ये देखें, ये जितने बंदे दिए थे ये सब करप्ट थे, सब किकबैक थे, सब कुछ, जो भी फ्ला मैटर जो भी है, मैं कहता हूँ कि एक बार कई और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि आपको ऑनेस्टली बात बताता हूँ, मैं एक बड़ा न्यूट्रल बात करूँ कि वो ना आप एक ही रिकॉर्ड सुन सुन के ना बोर हो जाते हैं कि अब पहला साल सुना, दूसरा साल सुना, तीसरा साल भी आ गया है। मुझे होता है कि जो भी है यार कर देना एक बार, ताकि प्रूव हो, ताकि मैं भी माइंड अपना पूरी तरह बना लूं कि सही कह रहे हैं संसार। सानू इंज लगता है जो 5 साल फड़ो फड़ाई ची नंग जाना है, ये भी एक मसला है। बिल्कुल, 5 साल बाद इन्हें पूछना कि जी काम कदों शुरू होना, बस ये 10 बंदे फड़न रह गए फिर काम ही शुरू होना। अच्छा चल साहब, इसमें मैं गुजारिश कर दूं, देखें ये आसान काम नहीं है। पिछले कोई 3-4 दहाइयों से जिस तरीके से ये लूट मार होती आई है, आप कहें कि 1-2 साल के अंदर ये सिस्टम ठीक हो जाए सारा हमारा सिस्टम, देखें बड़ी गहरी इन माफियाज की जड़ें हैं, इनको
जो है इस मुल्क से निकालना और इनको जो है ना वो सजाएं देना आसान काम नहीं। तो उसके अंदर सर एक बड़ा कॉमन रूल होता है कमोका साहब कि आप फिर कोई नए लोगों को चांस देते हैं, यू गोना गेट द सेम पीपल फ्रॉम द सिस्टम, सो मे बी यू गेट समवन एल्स हु हैज नॉट बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल ठीक, आप इससे एग्री करते हैं? जी मैं एग्री करता हूँ। तो फिर फिरदौस आशिक अवान क्या कर रही हैं आपके साथ? देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जज साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको जो लोग सिस्टम को समझ रहे होते हैं उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल, ये तो फिर वहीं पे आ गई ना बात। बात सुन लें, फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो किसी ऐसे ओहदे के ऊपर नहीं हैं, यानी वो रिप्रेजेंट कर रही हैं गवर्नमेंट को और तर्जमान हैं हुकूमत की, मुझे तर्जमानी कर रही हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कौन सा ऐसा ज़बरदस्त काम किया था एज फेडरल इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर? मैं आपके तरफ से डिफेंड करने को बात नहीं कर रहा, मैं वैसे एक मिनिस्ट्री में और ही बड़ी चीज़ें होती हैं अदर देन प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था, अगर किया होता तो आप हटाते ना? अगर आपने हटा दिया था तो फिर कोई ऐसा काम था कि आपने दोबारा लगा दिया? चले अब पंजाब के अंदर भी देख लेते हैं ना जी उनकी कार। अच्छा यानी हर सूबे में उनको ट्राई करना है, कहीं ना कहीं तो फायर लग ही जाएगा। बेहतर इंशाल्लाह यहाँ इसके बाद आप उनको केपीके का क्यों नहीं बना के देखते इन्फॉर्मेशन? अब पंजाब नहीं करेंगे। मॉडलिंग तो कर रहे हैं आप, मॉडलिंग के बाद अगर कोई भी जो प्लान्स है तो उसके बाद शादी का क्या सीन है कि कैसा होना चाहिए? शादी कैसी होनी चाहिए? शादी जिससे करनी है वो कैसा होना चाहिए? जिससे करनी है वो कैसा होना चाहिए? वो हसीन होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, अकलमंद होना चाहिए। हसीन, खूबसूरत और अकलमंद। वाह, तो हसीन किस टाइप का हो जरा ये बता दें। हसीन किस टाइप का होता है? हसीन मतलब हसीन हो, मुझे अच्छा लगे। पामी गंजा ही हो। यही पूछना चाह रहे हैं। बेहतर है अगर गंजा हो जाए, पड़ जाए सर पे, तो उसका इलाज भी तो है, बाल लगवा सकते हैं हम उसको। फिर तो लग भी जाएंगे। वो एक हद तक गंजा हो तो लगते हैं, इतना गंजा हो तो नहीं लगते। बस सॉरी। तो कितनी हाइट हो? 5'8" 5'9" चलेगी। और कोई एक्टर है जहन में उस टाइप का हो? कैसा भी चलेगा, बस अच्छा लग जाए मुझे। अच्छा लगना चाहिए। हाँ, अच्छा लगना चाहिए, पसंद होना चाहिए मुझे। आपको जवाब मिल गया अपना? मिल गया। गड्डी दे टायर चेंज करा किथे ब्याह दी सोचन दे। रोज राज खोल के बैठा हूं ना। आउन दे एडे हालात खराब ने कि गड्डी इन्हें ले ली है, पेंचर हो जाए तो पेंचर वाले को लेके तो नहीं जाता, मुंह ना हवा भर लेंदा। उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनके जहन में क्या है। बिल्कुल। हाँ। ढूंढेंगे बस उसको। आप कोशिश करनी है कि वो मुझे पसंद आ जाए, ये अब उस पे है कि वो कैसे उसको कोशिश करे। ये भी उसको ही करनी है। जाहिर है मुझे अच्छा लगेगा, उसके बाद में सारी चीजें छोड़ दूंगी कि यार ये भी चलेगा वो भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले वो मुझे पसंद आना चाहिए। चल कोशिशों में से कौन सी कुछ कोशिशें बताएं क्या होनी चाहिए? मुंह से आग निकाल सकता हूं। दो उलटबाजियां इकट्ठी मार सकता हूं। नहीं, क्या खूबियां हूं? खूबियां सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया कि यार वो शक्ल का प्यारा हो, वो अकल का भी अच्छा हो, और नेचर वाइज अच्छा हो, ईमानदार हो, धोखेबाज ना हो, और बाज़मीर हो। उसको सही का पता हो कि यार ये सही है, और उसको गलत का पता हो कि ये गलत है। गलत के बाद वो पछताए और सही के बाद वो खुश हो। कमोका साहब आपकी नज़र में कोई ऐसा है? बड़ा मुश्किल है जी। Good, are you? You know, I am really very happy today. Are you? Yes, my teacher, Ustad Shebi ji shaadi aa rahi hai next Sunday. Ustad Shebi? Mere jinne mainu guitar sikhaya hai. Theek hai. Unhone mainu bada hi sohna ek suit leke ditta, shalwar kameez da. Acha. Unhone mainu kiha kithon acche tailor master ko silai kara ke te mehndi wale din paana hai. Bada mehanga kapda unhone mainu leke ditta. So I went to the tailor shop. Mainu kehnda hai silai de tu 1500 dene ne. Acha. Main kaha edi mehngi silai. Kehnda kapda vi te mehanga hai. Main kaha da ki tu lo ke tailoring nal. Kehnda cutting wrong ho gayi te nuksan ho janda. So main kaha kinne din lagange? Kehnda 19 days. Main kaha why?
ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦਾ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਹਰ ਈਵੈਂਟ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਰੈਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਬਰਾਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਲਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਤੇ 27,000 ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 12,000 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ, 9,000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਆਂਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ 9,000 ਨਾਓ? ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਾਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚੜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਦਿਆਂ ਚ ਹੁਣ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਮ MNA ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਗਲਤ। ਅਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਓ, ਹਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਯੈਸ, ਨਾਲੇ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PTI ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਯੈਸ, ਕੋਰੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 9,000 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਈ ਲਵ PTI ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਯੈਸ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਕੀ ਆਮਦ ਪਰ ਹਮ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫੈਜ਼ ਕਮੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਪੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਠੀਕ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਯੈਸ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ 9,000 ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ, 1,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਹਮ ਵੀ ਯਹੀ ਕਹਤੇ PTI ਕੋ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਚੌਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕੋ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਦੋ ਜੀ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੂਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, CM ਹਾਊਸ ਹੈ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ IT ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਇਸਲੀ ਤੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਾਲ ਸੈਂਡਵਿਚ ਲਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹ ਲਾ ਕੋਫ ਲਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਓ ਜੀ ਏਡੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ ਸਰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਸੂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਕੋ ਬੋਲਨੇ ਦੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਸੂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦਾ ਚੌਕ ਸਭ ਦੀ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ उस्मान बुज़दार को भी बोलने दो ठीक है ते आई करके मुड़े है बंदा मैं फाड़ लिया कौन उस्मान बुज़दार साहब आप लेकिन मैं उन्होंने नहीं दसिया अच्छा ना 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 सर मेरे इमीडिएट बॉस ने मैं फिर गया उस्मान बुज़दार साहब को मैं कहा सर ICCTV है क्यों लिख दे हो मैं कहा सर पंजाब असेंबली दे तुसी बादशाह हो असेंबली दे अंदर गल करो कहंदे ने इस वास्ते मैं बाहर निकला ताकि आवाम दी डिमांड समझ के मैनू बोलन दे बंदे बैठे नहीं मौका है वारदात नहीं कमोका है वारदात फैसलाबाद करने की कोशिश कर रहे जबरदस्त और नहीं हो रहा अरे भी वो कह रहे टाइम लगेगा टाइम तो लगेगा 30 साल जो गंद पिया है 2 साल नहीं चुकया जा सकता 12 महीने को 2 साल भी नहीं चुकया जा सकता सर कोशिश करनी चाहिए हर बंदा कोशिश कर रहा देखो ना वो तो कोशिश भी नहीं सी करते कम से कम कोशिश तो कर रहे बिल्कुल बहरहाल गरीबों की बड़ी मदद करते हैं उन्होंने को वोट लेंदे ने हक भी अदा करते हैं गुड अपना चेयरमैन फैजान ऐसे माशाल्लाह टप टप जा रहे जी पढ़े लिखी बच्चे भाई पढ़े लिखा बच्चा जोड़ा होएगा ना जी वो तरक्की करेगा भावे किसे शोबे ची हो बिल्कुल अनपढ़ बच्चे जिन्हें भी होंगे इतने बैठे होंगे थोड़े सामने जी सर भाई साडा तजर्बा है जी देख लो हसी जाता है पढ़ता नहीं हसना मूड बड़ी जा कोई ना प्लीज बड़े अरसे तो बाद सामने आए हो सर और पहले तुम छोनी हो गए नहीं जी आए बड़े अच्छे आदमी नेचर इन्हों की बड़ी अच्छी हैगी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਜ਼ਾਕਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਕਮੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸੇ ਸਰ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਆਧੀ ਰਾਤ ਕਾ ਵਕਤ ਹੈ ਆਪ ਸ਼ਦੀਦ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ और आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है अपनी बोरियत को किल करने के लिए आप वो कॉल इनमें से किन को करना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं असलम रईसानी और जनाब कायम अली शाह असलम रईसानी को बोरियत किल करने के लिए कॉल होगी असेंबली की लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर ऑलरेडी एक के साथ आप सेल्फी खिंचवाएंगे एक को आप मरवतन मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास हैं फैसल वाडा अली जैदी और डॉक्टर आमिर लियाकत सेल्फी किसके साथ है मेरे ख्याल में मैं तीनों को ही कहूंगा कि आप जरा लिफ्ट से बाहर आ जाएंगे आपका फ्लोर आ गया तीनों को कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया है ये पहली बार हमें जवाब मिला इस तरह का फैसल वाडा आमिर लियाकत और अलीजादी साहब आप तीनों का फ्लोर आ गया है ठीक है सर ये बताइए चांद पर जाने के लिए आप एक स्पेस शटल में बैठे हैं 2 सीटें
एक आपकी अपनी, दूसरी सीट पर आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप चांद पर साथ लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की वहां से गारंटी नहीं है, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगे। तो कौन है वो जिसको आप चांद पर ले जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान। दोनों को उधर छोड़ के नहीं, एक को बार बार नहीं, एक को आपने छोड़ना है, आप अपना जनरल नॉलेज में जा सकते हैं। फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान, अब आप चांद पर होने चाहिए। ठीक है, ये बताइए सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं महविश हयात और राणा सनाउल्ला। राणा सनाउल्ला साहब को ले जाएंगे। ओए होए होए, वो कितना खुश हुई आपके जवाब से। ठीक है सर, डूबती कश्ती में है, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? ऑप्शन आपके पास है जनाब फवाद चौधरी या फिर जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। ठीक, बहुत अच्छा जी। एमन देख लिया आपने जी, तो बताइए, आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रही, फोन में कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर आमिर लियाकत। बोरियत किल करने के लिए तो फिर डॉक्टर आमिर लियाकत। देख लें, फयाज साहब रह गए आप। ये बताइए, लिफ्ट में इंटर हुई है, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास हैं हानिया आमिर, इकरा अजीज और मावरा हुसैन। इकरा अजीज के साथ सेल्फी होगी, हानिया आमिर के लिए स्माइल होगी और मावरा के लिए। ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं उस्मान बुज़दार साहब और जनाब शहजाद अकबर। उस्मान गुलजार। ठीक है, ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब परवेज खटक और जनाब तलाल चौधरी। परवेज खटक। इतनी क्लियर डिसीजन आपने दिया है, परवेज खटक पीटीआई के हैं, वो पता है ना? कोई बात नहीं। और दूसरे वाले पता ना किस पार्टी के हैं? तलाल चौधरी नहीं, नून लीग के। ये परवेज खटक साहब का फैन क्लब है, जो भी हो जाए। हाँ, बिल्कुल। डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब इमरान खान। इमरान खान को बचा रहे हैं। दिल से पीटीआई किस पूछ रही है? वो ऑप्शन नहीं था, कोई और ऑप्शन था। दिल तीसरा अच्छा ऑप्शन होता तो शायद मैं उसके लिए। दिल से पीटीआई की सपोर्टर है, उन्होंने ये इससे अखज किया है, थोपना है बस, ये होना और ये होगा। वेलकम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ख्याल रखिएगा आप दोनों, सर आ जाएं।